कि हम सबके बीच में मास्टर ज्ञान सूर्य आदरणीय भ्राता जी आए हैं। तो सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करेंगे हम सभी। सूरज भाई जी का क्लास न हो तो भट्टी अधूरी है ऐसा लगता है। लास्ट दिन ही क्यों न हो भाई साहब हम सबके बीच में पहुंच गए। ऐसा कौन है जो भाई साहब को नहीं जानता है? हाँ ऐसे कुछ भाई लोग होंगे जो अभी प्रत्यक्ष में देख रहे होंगे। बाकी बहुत समय से हम पीस ऑफ माइंड चैनल में समाधान प्रोग्राम देखते हैं या रोज मुरली का चिंतन आता है। हाँ मनन चिंतन में क्लास भी सुबह सुबह जब 6 बजे रहता है या दोपहर को। हाँ भाई साहब की प्रेरणाएं भाई साहब के बाबा के महावाक्य हम सभी को याद दिलाते तो हम सब उनको टीवी में तो रोज ही देखते हैं। हाँ लेकिन जब मधुबन में बाबा के घर में आते हैं तो ये हम सबका सौभाग्य है कि एक क्लास तो भी हमको उनका सन्मुख सुनने का सुअवसर मिलता है। आप सभी उनके बारे में जानते हैं संक्षिप्त में मैं उनका परिचय जो भी नए कुछ भाई लोग आए हैं भट्टी में उनको कराना चाहूंगी। बाबा भोलानाथ का जो भंडारा है पांडव भवन को ज्ञान सरोवर को शांतिवन को तीनों संभालने के भाई साहब निमित्त है। साकार बाबा जब मुरली चलाते थे तब से आह्वान करते रहे कि ऐसे योगयुक्त बच्चे आएंगे जो ऐसे बच्चे आएगा जो योगयुक्त भोजन बनाएंगे और खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो भाई साहब आने से पहले से ही जैसे बाबा उनका आह्वान कर रहे थे तो बाबा के आह्वान पर सभी को योगयुक्त भोजन खिलाने वाले तीनों भंडारे संभालने वाले ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब। हाँ उनका क्लास हम जब भी बाबा मिलन होता है अगर बाबा मिलन के पहले भाई साहब का क्लास न हो तो वो बाबा मिलन भी जैसे अधूरा सा लगता है। बाबा मिलन की तैयारी भले नए हो चाहे पुराने हो सभी की तैयारी बहुत अच्छी से हमसे करवा लेते हैं देश में विदेश में। प्रोग्राम्स हो बीके के हो नॉन बीके के हो भट्टिया कराने के लिए भाई साहब इंडिया और इंडिया के बाहर जाते रहते हैं। ऐसे विश्व कल्याणकारी सभी को योग का प्रयोग सिखाने वाले। इसके पहले हम योग जो करते थे वो बैठ के करते थे लेकिन भाई साहब ने बताया कि स्वमान में स्थित होना ही योग है। बीमारियों में कैसे हम योग का प्रयोग करें कैसे योग का महत्व है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये जो दो संकल्प है इसका बहुत अच्छी से प्रयोग उन्होंने लाखों हजारों आत्माओं से करवाए हैं। बहुत सारी आत्माओं को बीमारियों से मुक्त भी किया है। आप सभी भी करते ही होंगे ऐसे सभी के प्रेरणा स्रोत भाई साहब हम सबके बीच में हैं। तो एक बार फिर हम उनका जोरदार तालियों से अभिवादन करते हैं। योग का दिव्य कवच माया आती है लेकिन माया से बचने के लिए हमें भी कवच पहनने की जरूरत है। तो योग का दिव्य कवच क्या है कैसे हमें धारण करना है इस पर भाई साहब प्रकाश डाले। ओम वाह बड़ा अच्छा टॉपिक रखा। काम सारा ऊपर वाले का बहन जी ने महिमा नीचे वालों की कर दी। किसी मनुष्य के हाथ में नहीं होता किसी की बीमारी ठीक करना। डॉक्टर ही फेल हो जाते हैं ऊपर वाला ही बैठा बैठा करता है। जो उससे सच्चे हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं समर्पण भाव से जीते हैं उनकी संभाल बाबा स्वयं बहुत करते हैं आगे आगे और बहुत करेंगे। योग का कवच पहनना है। पहना किस किस ने है? बस काफी है काफी हो गए। योग सबसे सरल सब्जेक्ट है और सबसे गुह्य विद्या है संसार की। बुद्धि स्थिर करना माताएं ध्यान से सुन लें बुद्धि को स्थिर करना सबसे श्रेष्ठ साधना है।
मैं क्लास करा रहा हूँ और दरवाजा खुल जाए तो सारी माताएं उधर ही देखेंगी, मुझे देखना छोड़ देंगी। बुद्धि जल्दी जल्दी विचलित होती है मनुष्य की, ये एक लंबी साधना है। बाबा ने इस साधना के सहज स्वरूप भी सिखाए हैं, रोज मुरलियों में आता है। मैं जो आपको कुछ बताऊंगा वो मुरलियों से बाहर नहीं, सब मुरलियों में आ रहा है। आपने नोट किया हो, सभी तो मुरलियों से बातें कैच नहीं कर पाते, क्योंकि ये बात निर्भर करती है सुनाने वाले पर भी, और सुनने वाले किस स्थिति में हैं सवेरे से उस पर भी। जिसकी बुद्धि बहुत भटकती है उसे रोकने का तरीका है बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। सरल, बिल्कुल सरल, जिसमें कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ कठिन क्रिया नहीं। सन्यासियों को जो तपस्वी हैं, अगर ये ज्ञान हो जाए कि आत्मा का अभ्यास कैसे करें तो शायद वो सबसे आगे निकल जाएं, इसलिए उनका नंबर लास्ट में आता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपने से, ये कवच बहुत जबरदस्त है। परंतु फिर एक प्रश्न पूछता हूं आप में से, ईमानदारी से हाथ उठाना, सबको उठाने की जरूरत नहीं, आप उठाएंगे भी तो मुझे पता है। कौन कौन अपने योग से संतुष्ट हैं जरा हाथ उठाएं, ठीक है। कौन कौन अच्छे योगी बनना चाहते हैं, नहीं, इसको भी ध्यान से हाथ उठाओ, मुझे पता है आप सब उठाएंगे, ये सबकी इच्छा है। पर क्या सचमुच हमारी इच्छा है कि हम योगी बने? नहीं, चिंतन करो, क्या सचमुच हम योगी बनना चाहते हैं? अगर आपके घर में नहीं बने नहीं है, ये तो बाबा खुश कर देता है, तुम योगी बच्चे हो, वो तो ठीक है। आपको कह दिया जाए कि 4 घंटे में मधुबन चलना है, आपको कुछ नहीं पता था, आपको 4 घंटे में 3 घंटे में ही तैयारी कर लेनी है, स्टेशन पहुंचना है, फिर कर पाएंगे? कदम, बुद्धि, हाथ तेज चलेंगे, क्यों? 4 घंटे का लक्ष्य है। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को दृढ़ नहीं करता वो योगी नहीं बन सकता। योग का महत्व भी समझना चाहिए। आज किसी का फोन आया, बहुत समस्याएं हैं जीवन में, उसके बात कर रही थी बहन, बहुत समस्याएं हैं जीवन में, गिर गई हूं। मैंने उसे पूछी बहुत सारी चीजें, मैं खाली था, मैंने कहा चलो इसकी समस्याएं भी हल हो जाएं और पता चल जाए। बीज यही निकला, समस्याएं परिवारों में नहीं हैं, समस्याएं स्थिति की हैं। स्थिति श्रेष्ठ हो जाए समस्याएं लोप हो जाएंगी, स्थिति का ही सारा महत्व होगा। आने वाला समय कौन सा है बताओ? अभी अभी थोड़ा, अभी अभी, सतयुग की बात नहीं कर रहे, महाविनाश। मूल्यों में रोज आती है कुछ ना कुछ बात उसके बारे में। महाविनाश को देखना किसका घर नहीं है तो किसका घर है? है, बहुत कठिन काम है। किसी के घर में एक की मृत्यु हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं बाकी 5 लोग, जब सबकी मृत्यु होगी और एक ही बचेगा तब, और देखना पड़ेगा आंखों से। मैं विनाश से आपको डरा नहीं रहा, वो तो होगा, सबको घर जाना है, सबके विकर्म विनाश करने हैं, बाबा को करने हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे तो फिर उसको करना पड़ेगा। लेकिन हमें
विनाश की तैयारी अवश्य करनी है। क्या तैयारी? विनाश करने की तैयारी नहीं, वो तो कर रहे हैं लोग। स्थिति को साक्षी बनाने की तैयारी। योग बहुत सुंदर चीज है। योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से भविष्य में उच्च पद मिलेगा, योग बल से राजा स्थापित होती है, ये हम रोज सुनते हैं। पर योग में रहने से परम सुख मिलता है, ये भी मुरलियों में है। उस सुख को अगर हम चख लेते हैं तो संसार के आकर्षण जिनमें मनुष्य उलझा है वो आप ही छूट जाते हैं। बहुत आकर्षण है दुनिया में, योगियों के लिए भी आकर्षण बन गए हैं। मैं तो सुनता हूं साक्षी, मुझे तो सब पता ही है, पर फिर भी सुनाते हैं बहने भाई। अच्छे अच्छे लोग व्हाट्सएप में लग गए हैं, रात को 1 बजे तक मोबाइल, सवेरे 7 बजे उठ रहे हैं। छोटी बहन को कह दिया मुरली तुम सुना देना, कोई पूछे तो कह देना बहन जी की तबीयत थोड़ी सी। तो ये क्या है सब? अच्छे अच्छे लोग जिन्हें मैं बहुत अच्छे पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखता था। समय का फेरा है, किसी का दोष नहीं है, छटाई हो रही है। भिन्न भिन्न माया के आकर्षणों में लोग आ गए हैं। बाबा ने ज्ञान सरोवर में एक बहुत अच्छा सीन दिखाया था, आपसे 12-15 साल पहले। बच्चे 3 आकर्षणों में उलझ गए हैं, बाबा नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉनिक्स का आकर्षण, कारों का आकर्षण और कुछ और साधनों की बात की थी, बाबा नहीं चाहता। जिनको अपने भविष्य का ज्ञान है, ध्यान से सुन लेना मैं जो कह रहा हूं, जिनको भविष्य की दुनिया का पता है वो क्या होगा, हम कितने महान होंगे वहां, हमारे पास कितनी धन संपदा होगी, कार्य तो उसकी भेंट में 1 पैसे की चीज होगी। जैसे किसी के पास 100 करोड़ की संपदा हो और 1 पैसा, कितना लगेगा? खो जाए तो कुछ सोचेंगे? कार्य तो ऐसी चीज होंगी। जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, जो सम्राट बने हैं द्वापर युग से भी, उनके लिए यहां का मान कैसा होगा? चींटी के समान। जिन्हें सारा संसार मान देता है, जो पूज्य बने हैं, मंदिर का द्वार खुले भक्त इंतजार करते हैं, वो यहां मान के पीछे नहीं भागेंगे। भागेंगे वो जिन्हें नहीं मिलता है वहां, जिन्हें न द्वापुर में मिला न सतयुग में मिला, वो यहां खोज कर रहे हैं मान श्यान सम्मान तेरा मेरा इसकी। इसलिए अपने स्वमान को जगाना है सबको। हम बहुत बड़े हैं, बाबा ने जो कुछ हम लोगों के लिए कहा है। दिल्ली में हमारा सबसे बड़ा मेला हुआ था 1973 में, मुझे याद रहती है वो बात। ये हॉल भी नहीं बना था, पहला मेला। हम भी वहां रहे थे 1.5 मास, रामलीला मैदान में था। अव्यक्त बाबा आए थे हिस्ट्री हॉल में। सेवा जब होती थी बड़ी, तो बाबा कुछ अच्छी अच्छी बातें पहले से ही सिखा के तैयार करते थे। सबको संतुष्ट करना है सेवाओं में, सेवा प्रसाद की तरह बांटो, ऐसा बाबा सिखा रहे थे। सबको सेवा दे दो, फिर कहा जो सबको संतुष्ट करेंगे और संतुष्ट रहेंगे बाबा उन्हें गोल्ड मेडल देंगे। तब यज्ञ में गोल्ड नहीं होता था। फिर किसने कहा बाबा सोने की चिड़िया देंगे? बाबा ने कहा क्यों नहीं, सोने की चिड़िया क्या, अब भगवान का भी टर्न हो गया सब कुछ। ये सुनते ही कहा तुम कौन हो, पहचानो अपने को। एक दिन आएगा सारे संसार की सारी धन संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएगी, वो यही होने वाला है। पर उसका करेंगे क्या? ये हॉल भर जाए सोने से, क्या करेंगे? और 50 लोग सिक्योरिटी पे रखने पड़ेंगे, बंदूकधारी, नई टेंशन हो जाएगी।
ये सब होने जा रहा है। एक बहन की एक क्लास से, कल की बात है, एक बहन की क्लास से किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा, क्या कहें, फायदा भी हो गया, शांति हो गई जीवन में। 2.5 करोड़ का लोन हो गया था बैंक का। क्लास सुनी, भोग लगाओ भोग ना मिटाओ। भोग लगाया, 2 दिन के बाद ही बैंक वालों ने बुलाया, आओ मीटिंग करते हैं, और सब क्लियर कर दिया सहज भाव से, थोड़े से में क्लियर कर दिया। उसने कहा जिसकी ये क्लास है उसको मैं 5 लाख दूंगा। खोज की किसकी है? बहन जी ने बताया इसकी है, 5 लाख दूंगा। बहन जी ने कहा पर नाम तो मैंने बताया ना उसका, मुझे दो, वो अलग बात है। पर मैं देख रहा था कि इसको सुख मिला, उसका 2.5 करोड़ का जो कर्ज था वो 30 लाख में पूरा करा दिया बैंक वालों ने। वो इतना प्रसन्न हुआ। जब संसार को अथाह सुख मिलेगा, जब उन्हें भगवान मिलेगा, तो क्या नहीं दे देंगे, वो कहेंगे सब ले लो। पर तब हम नहीं लेंगे, हम करेंगे क्या उसको? तो सभी आकर्षणों से मुक्त होकर एक के आकर्षण में रहना पहली चीज। अब मैं आपको पहली चीज बता रहा हूं। मैं क्यों पूछ रहा था, क्यों मैं पूछ रहा था आपसे कि बनना है क्या योगी? जिसको बनना है, जिसको बनना हो वो उसकी प्लानिंग करेंगे। योगी तो बनना है पर सारा दिन व्यर्थ में रहते हो तो कोई मानेगा कि इन्हें योगी बनना भी है क्या? योगी तो बनना हो पर 2-4 घंटे वेस्ट करते हो तो कौन मानेगा कि इन्हें योगी बनना है? मानेगा? बोलो आगे वाले, बोलो मानेगा? खाने पीने में आसक्ति रहती हो और पदार्थों में संसार की ओर बहुत झुकाव हो, कोई मानेगा कि इन्हें योगी बनना है? इसलिए फिर अपने से पूछो, क्या मुझे सचमुच योगी बनना है? तो प्लान क्या है, त्याग क्या है? वैराग्य है, पता है योग के सुख का, पता है योग को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। पहली विधि, अपने से बातें करना। करें बातें अभी मेरे साथ, मेरे साथ साथ अपने से बातें करो। जिस भगवान को बुलाते थे, मांगते थे छोटी छोटी चीजें, वो सब कुछ देने आ गया है। मुझे उससे कितना लेना है? बात करो, मुझे सुनो नहीं अभी, बात करो। जो आंख बंद करना चाहे आंख बंद कर लो, सीधे हो जाओ बिल्कुल। संकल्प करो, अपने से बात करो, मुझे उससे सब कुछ ले लेना है। एक बार ये सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। ये अवसर अगर एक बार हम चूक गए तो ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा। बात करो, संगम युग मेरा कैसे बीत रहा है? उलझनों में या ईश्वरीय सुखों में? बांटते हुए या लेते हुए? परचिंतन में या आत्मचिंतन की गहराइयों में? कैसे बिता रहे हैं हम अपने संगम युग के दिन? चिंतन करना, बहुत कुछ किया जा सकता है। अपने से बातें, बहुत बातें की जा सकती हैं। आदत डाल लो तो अपने से बातें होती रहेंगी, मूल्यों से भी बहुत बातें मिलती रहेंगी। कैसे स्वयं से रूढ़िहान करो, अपने को मोटिवेट करो, ये इंग्लिश का शब्द है, अपने को खुद प्रेरित करो, आगे बढ़ाओ।
ताकि व्यर्थ से बचते रहें। अभाव आ जाने लगेगी, तुम्हारा जीवन पर चिंतन के लिए नहीं है। व्यर्थ में तो सारा संसार समय एनर्जी नष्ट कर रहा है, तुम्हारा जीवन इसके लिए नहीं है। आवाज आती रहेगी अंदर से, तब कई बातों से छूट जाएंगे। छूटना है जरूर, जिसको योगी बनना है उसको अंतर्मुखी होना ही होगा। अंतर्मुखता के बहुत सारे अर्थ हैं। पहला तो है कम बोलना, शुरुआत यहां से होती है। फिर है आत्मचिंतन करना, अंदर चले जाना, कर्मेंद्रियों का जो आकर्षण बाहर को है उसे अंदर की ओर कर देना, आत्मिक स्वरूप परिस्थिति, ये सब अंतर्मुखी है। लेकिन पहले कम बोलना, जो बहुत बोलते हैं वो योगी नहीं बन सकते। क्या विचार है माताओं का, हो सकते हैं अंतर्मुखी? अभी मैं कहीं था, भाई ने आके शिकायत की, किचन में माताएं बात करती, चुप ही नहीं रहती, आप क्लास में कहो तो चुप रहेंगी। मैंने भी कह दिया माताओं योग, मैं ये नहीं कहा चुप रहना है, मैंने कहा योग में रह के भोजन बनाओ, बहुत कमाई होगी आपकी, थोड़ा सा शांत भी रहना है, बाबा जो कहता है उसे कर लो। अब मेरे कमरे के पास ही किचन था, अगर मैं जरा सी खिड़की खोल दूं तो माताओं की आवाज ऐसे आती जैसे बाजे बज रहे हों। वो भाई भी आ गया मेरे पास, भाई माताएं तो सुनती नहीं है। मैंने कहा बस तुम भी उनकी न सुनो, कान बंद करो, अपना योग युक्त होके भोजन बनाओ। अंतर्मुखी तो माताएं बुरा ना मानना, मैं हंसी कर रहा हूं आपसे, कई माताएं बहुत शांत रहने वाली हैं। अंतर्मुखी होना है। अब मैं ले चलता हूं आपको अमृत वेले पर। संगम युग तो अमृत वेला है ही, पर रोज भी अमृत वेला हमारे भाग्य से हमें मिलता है। जब सारा संसार सोता है तब हम जागते ही नहीं, प्रभु मिलन का सुख लेते हैं। जब सारा संसार सोता है तब हम परम सदगुरु से वरदान लेते हैं। जब सारा संसार सोता है तब हम आत्मा को चार्ज कर लेते हैं। देखो आप में से कईयों की आदत होगी मोबाइल फोन की बैटरी को रोज सवेरे सवेरे चार्ज कर लेना, ताकि सारा दिन चलती रहे, कर लेते होंगे ना। हमें भी आत्मा की बैटरी को सारे दिन के लिए सवेरे चार्ज कर लेना चाहिए। मैं छोटी सी विधि बता रहा हूं आपको, आप में से जो करते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं करते इस पे अटेंशन दें, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें स्वयं बाबा अपनी ओर से हमें देने के लिए प्रस्तुत है। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं, उसके पास पहुंचना है, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे परम धाम में, और वो हमारी झोलियां भरता जाएगा। बाबा की दो मुरलियां चली हैं 77-78 में, 77 और 78 में। अमृत वेले बाप भोला नाथ वन कर बैठता है, जो चाहे ले लो, खुले खजाने देता है, चाहे कुछ माफ करा लो, उसको रिझा लो, मना लो, वरदान ले लो। बाबा ने इतने तक कह दिया, उस दिन ज्यादा ही खुश था, चाहे आठ की माला में आने का वरदान ले लो, इसी होल की बात है, चाहे विजय माला में आने का वरदान ले लो, बाप से देने के लिए तैयार बैठा रहता है। अब भगवान देने के लिए ऊपर प्रस्तुत हो और हम ले न पाए, बात केवल सोने की नहीं है, जग कर भी हम क्या करते हैं। बोलो अच्छा है अमृत वेला? मैं पूछूंगा नहीं, आपको लग जाएगी। जो उठते हैं जो नहीं उठते उन्हें भी अब 4 बजे उठने का प्लान करना चाहिए। जो कार्यों में हैं, मैं उनके लिए एक बात कह देता हूं, जॉब में हैं 3:30 या 4 बजे उठ गए, फिर आपको थकान होती है, कई लोग इसलिए नहीं उठते कि ऑफिस में जाना पड़ता है, 11 बजे नींद आने लगती है,
मुश्किल होता है, फिर सब लोग देखते हैं, सिर भारी हो जाता है। तो आप 4 से 5 अपने को अच्छी तरह चार्ज करो योग से, 1 घंटा रेस्ट कर लो बाद में, तो आप फ्रेश रहेंगे। अपनी दिनचर्या को अपने अनुसार सेट कर लेना चाहिए। कईयों की बहुत बड़ी समस्या थी ये, किसी ने बता दिया योग के बाद सोना महापाप है, शब्द भी थोड़ा भारी बोल दिया, तो बेचारा 3 बजे उठता था। वो अभी की बात है, मेरे पास आया, 3 बजे उठे। अब 3 बजे उठे तो ऑफिस में 11 बजते ही सो जाए, मतलब नींद इतनी भारी कि रहा नहीं जाता था, ऑफिस है या कुछ भी है, कंप्यूटर पे हाथ रख के सो गए। अब लोग मजाक करते थे, अच्छे ओम शांति वाले, काम नहीं करते, देखो ऑफिस में सो रहे हैं, लज्जा आती थी उसको बहुत। फिर शाम तक आके सिर भारी हो जाता था, पूछा क्या करूं, श्रीमत नहीं है सवेरे उठ के दोबारा सोना, मेरे को तो मुश्किल हो गई। मैंने कहा श्रीमत है 11 बजे के ऑफिस में सो जाना, ये कहा ये भी श्रीमत है। अब देखो सवेरे उठ के 3 से 4:30 तक उसने योग कर लिया, जितना भी हुआ, बाकी सारा दिन बेकार गया, बेकार, सिर दर्द, भारी, चेहरा उदास, लोगों की भी सुन रहे हैं, ग्लानी भी हो रही है, ये श्रीमत नहीं है। ये कट्टरता बाबा नहीं सिखाता, आपको नींद आ रही है थोड़ा भी सो जाओ, नींद कभी रोकनी नहीं चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, नींद आना, छींक आना, जवाई आना, ये रोकना नहीं चाहिए इन्हें, इससे ब्रेन फ्रेश होता है। अगर आप इन्हें चाय पी के रोक रहे हैं तो आपके ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। इसलिए थोड़ा सा भी, ये नहीं जब सोने की इच्छा होगी सो लिया, इसका फायदा ना उठा लेना ज्यादा कि हमें तो योग में भी सोने की इच्छा हो रही थी, हम तो योग में भी सो गए क्योंकि भाई साहब ने बताया था, ये नहीं। पर कट्टरता नहीं, हट नहीं, सहज भाव से जीवन जीना है। सवेरे के समय को 5 भागों में बांट लो, आपको बड़ा आनंद आएगा आज से, कल से। ये आप करना, जिनके पास डायरी पेन है वो लिख लें। उठते ही पहले सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज करो, उठते ही, ये नहीं उठते ही नहाना है, योग बाद में करना है, ये गलत मान्यता है, उठते ही शुरू कर देना है। बाबा सिखाते आते थे, उठते ही पहला संकल्प करो, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई हूं, ये नहा धो के नहीं करना है, ये योग में बैठ के नहीं करना है, ये उठते ही कर लेना है। आंख खुली और हमारा सुंदर समय प्रारंभ हुआ, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो। अब लिख लो, बाबा को गुड मॉर्निंग यहीं से नहीं करो, सूक्ष्म लोक में पहुंचो। पहुंचना कैसे है, आप सोचेंगे बड़ा भारी काम दे दिया, केवल महसूस करो मैं वहां हूं, कुछ नहीं, बिल्कुल सहज समझ लें, जैसे मैं अब आपको कहूं आप यहां बैठे हैं, जाकर बाबा के कमरे में बैठो, यहीं से कितनी देर लगेगी, बस यहां है वहां है, अपने रूम में जाकर बैठो, शांति स्तंभ पर बैठो, सूक्ष्म लोक में हूं, बाबा सामने है, सामने देके बहुत उल्लास से गुड मॉर्निंग करो, नमस्ते करो। गुड मॉर्निंग ना आता हो माताओं से कहना नमस्ते, कहीं कहीं माताएं गांव की सोचते हैं गुड कहा जा रहा है कुछ, तो बाबा क्या करेगा। ये गुड की कहानी है, एक माता की, गांव की थी बेचारी, वो सवेरे उठ के झाड़ू लगा रही थी, गुड मानी गुड मानी गुड मानी कह रही थी, कि बहू ने कहा क्या माता जी गुड चाहिए क्या, बहुत तो है ले लो जितना चाहिए, क्या दीदी ने बताया था सवेरे उठ के बाबा को ऐसे कहना गुड मॉर्निंग। जिसको ये इंग्लिश शब्द ना आता हो वो हिंदी में नमस्ते बाबा। बाबा क्या करेगा, अपना आशीर्वाद का हाथ उसने मेरे सिर पर रख दिया। सवेरे सवेरे फील करेंगे, और अच्छी फीलिंग करनी है
उसके हाथ से वाइब्रेशंस निकलने लगे, किरणें निकलने लगी, मुझ में समाने लगी पूरे तन मन में, और अच्छे संकल्प कर लो रोगों को नष्ट करने लगी, सब विकारों को नष्ट करने लगी, कर्मेंद्रियों को शीतल करने लगी। शुरुआत करो यहां से दिन की, फिर बाबा को शुक्रिया करो, आपने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार होना चाहिए इसमें, रिपीट नहीं करना है, बहुत कुछ दे दिया, दिया या नहीं दिया। लौकिक को नहीं देखना कि मकान छोटा सा दिया है, लौकिक नहीं देखो, ज्ञान खजाना था, भटकन बंद करा दी, बहुत सुख दिया, वरदान दिए, शक्तियां दी, प्रभु मिलन हुआ इस जीवन में, श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम दे दी, आपने मुझे सब कुछ दिया, कोटि कोटि बार शुक्रिया। तीसरा संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, ये भी खुले मन से ऐसे करना, प्रकृति सुन ले, बाबा तक आवाज पहुंचे, बच्चे आनंदित हो रहे हैं, भाग्य की आपके ऊपर बरसात होने लगेगी। मैं बहुत सुखी हूं, बहुत धनवान हूं, कर सकेंगे मैं बहुत धनवान हूं? ये माताएं सोच रही कहां, थोड़े से तो पैसे हैं, गुजारा मुश्किल से होता है, माताओं के चेहरों पे आनंद नहीं आया जब मैंने कहा मैं देख रहा हूं कहां धनवान हूं, धनवान तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं उनके पास, ये है वो है। कौन कौन माताएं गरीब बैठी, हाथ उठाना, गरीब माताएं हाथ उठाओ, भैया तो कोई भी नहीं है गरीब माता, देखो इतनी जल्दी सब, अच्छा साहूकार माताएं हाथ उठाओ, गरीब कोई नहीं पर साहूकार भी थोड़े ही हैं। बाकी माताएं साधारण सोच रहे थे क्या किसमें हाथ उठाए हम, बहुत धनवान हैं हम सब, बाबा ने कह दिया है जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। जो यहाँ ज्ञान धन से भरपूर ज्ञान दान कर रहे हैं, ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, 84 जन्म धनवान रहेंगे, बीज डाल रहे हैं। सवेरे का समय इन विचारों से अपने को चार्ज करना, पहले 5-7 मिनट बस, ज्यादा नहीं। फिर आगे क्या करना है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, गीत का टाइम हो गया भाई, चलो अभी बाबा को शुक्रिया करते हुए उसकी किरणें प्राप्त करेंगे। अमृत वेला, एक करना है 5 स्वरूपों का अभ्यास, लिख लो, जो मैं कह रहा हूं आप ये रोज करेंगे तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज ही हमें सुंदर सुंदर स्मृतियां सवेरे ही अपने को दिला लेनी है। दूसरा अभ्यास, सूक्ष्म वतन में पहुंच कर बाप दादा के सामने दृष्टि लेना, बिल्कुल बाप दादा सामने हैं उनसे दृष्टि लेना, तिलक लगाते हैं बाबा वरदान देते हैं वरदान लेना, बाबा का हाथ सिर पे अनुभव करना, बाबा श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाएंगे, बाबा के द्वारा अपने को दिलानी है। तुम महान हो बच्चे, तुम शिव शक्तियां हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम सबके पूर्वज हो, तुम इस प्रकृति के मालिक हो, तुम सबका कल्याण उद्धार करने वाले हो, याद दिलाना है, खुद भी याद करना है, और एक एक चीज को स्वीकार कर लें, इससे हमारी स्मृतियां श्रेष्ठ होंगी, स्वमान ऊंचा उठेगा, छोटी बातों से हम ऊपर निकल जाएंगे। फिर
हमें आत्मा बनकर परम धाम में बाबा के पास बैठ जाना है। जिसको जितनी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस चाहता है, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। आपसे एक ही मिनट होता है, एक ही मिनट करो, फिर मैं आत्मा वापिस आ गई देह में, और फिर बाबा की किरणें पड़ रही हैं मुझ पर, शांति की किरणें, एक एक मिनट कर लेना, शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें, फिर एक एक मिनट, फिर एक एक मिनट, 9-10 मिनट बीत जाएंगे। ये सबसे पावरफुल अनुभूति होगी, एकाग्र करेंगे, किरणें पड़ रही हैं, जैसे बाबा की सारी शक्तियां मुझ में आ रही हैं। अभी आपने ध्यान दिया हो, 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा, तुम सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां हजम कर लेते हो, याद है, हजम कर रहे हैं हम, ऊपर से आ रहा है, हम समा रहे हैं। ये हजम होती हैं, जैसे मान लो आप धूप में हैं, आपका सिर खुला है, तो सूर्य की किरणें प्रवेश करती रहेंगी पूरे शरीर में, विटामिन डी कहते हैं इसको, मिलता रहेगा। बाबा पर हम एकाग्र होंगे तो उसकी किरणें हम में समाती रहेंगी, फिर सकास देना है संसार को, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी इस पर ध्यान दें बहुत अच्छी तरह। आपको लक्ष्य बना लेना है, मुझे सवेरे 10 मिनट संसार की सभी आत्माओं को वाइब्रेशंस देने हैं। क्यों देने हैं, मैं एक दूसरी बात बाबा की सुना रहा हूं, वो हमारा कार्य है, हमें सबका कल्याण करना है, वो बाबा की आज्ञा है, ये सब तो है ही, लेकिन संसार को सकास देने से हमारे पुण्य बहुत जमा होंगे और इससे विघ्न नष्ट होंगे आपके परिवारों में। जितनी भी समस्याएं आती हैं वो आपको नष्ट होती हुई दिखाई देंगी, इसलिए नियम बना दो, सवेरे या शाम या दोपहर, जब भी आपको अच्छा लगे 15 मिनट 10 मिनट संसार को वाइब्रेशंस अवश्य देने हैं, देने हैं ना। मैं छोटी सी विधि बता रहा हूं, आपको बहुत प्रिय लगेगी। हम जुड़े हैं बाबा से, आप रस्सियां सूक्ष्म धागे इमर्ज करो, सूक्ष्म धागे से हम बाबा से जुड़े हैं, तो बाबा की शक्तियां हम में आ रही हैं, और मेरे चारों ओर करोड़ों आत्माएं हैं, चमकती हुई आत्माएं देखो, करोड़ों अनंत चारों ओर, और हम उनसे जुड़े हैं, वो हमसे जुड़ी हैं, हम बाबा से जुड़े हैं, जैसे सूक्ष्म धागे जुड़े हैं। अब बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, फैल रही, जैसे तारों से जोड़ दिया गया हो, करंट आता है ना तारों से, तो ऊपर से हमें आ रहा है, हम तारों के द्वारा जुड़े हैं संसार की करोड़ों आत्माओं से, ये करंट, ये वाइब्रेशंस उनको जा रहा है। दो विधि और बता देता हूं, जिसको जो पसंद हो, एक एक भी कर सकते हैं रोज। ग्लोब के ऊपर बैठे हैं, ग्लोब माना धरती का गोला, चित्र बनाओ, धरती का गोला है ऐसे, उसके ऊपर मैं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दुख हरता हूं, बाबा सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये सीन बनाकर बैठ जाओ, और बाबा की किरणें मुझ में समाकर सारे संसार में फैल रही हैं, बहुत आनंद आएगा। चाहे एक एक मिनट ही कर लो, किसी को 15 मिनट ज्यादा लगे या एकाग्रता न हो, एकाग्रता को बढ़ाने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि जितनी बातें मैंने आपको कही उनको एक एक मिनट कर जाओ, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, 2-2 मिनट कर लेना, फिर 3-3 मिनट, तो इजी होता जाएगा। तीसरी विधि वो बहुत पावरफुल है, और उसके लिए आप एक सुंदर बात और सुन लें, तुम सभी आत्माओं के पूर्वज हो, बहुत गहरी बात है, भगवान के सिवाय कोई नहीं बोल सकता, तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो,
तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है। विचार कर लो जरा, कौन है हम? पुण्य मनुष्य के अपने लिए होते हैं, परिवार के लिए भी नहीं। वाल्मीकि को भी कहा था ना, तुम जो कर रहे हो फल तुम्हें मिलेगा, बच्चों को नहीं। लेकिन हमारे पुण्य किसके लिए हो गए? बोलो, किसके लिए हो गए? पूरे संसार के लिए। तो उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिलता है। तो पुण्य, प्योरिटी सबसे बड़ा पुण्य। कैसे करेंगे अभ्यास? ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, इसका बीज ऊपर है, जड़े ऊपर, नीचे फैलता है। मैं फरिश्ता हूं, पूर्वज, ऊपर जड़ों में बैठी हूं। संकल्प करना, अपने को देखना, मैं यहां बैठी हूं, बाबा की किरणें मुझे मिल रही हैं और मुझसे नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैलती जाती हैं। एक मिनट ले ली बाबा से, 10-15 सेकंड फैल रही है ऐसा देखा, फिर एक मिनट ली, फिर 10 सेकंड फैल रही है, ऐसा इसको खेल बना दो, मनोरंजन। एक मिनट लेना, 10 सेकंड फैलाना, तो ये बहुत अच्छा अमृत वेला बीतेगा। चाहे आप अपने घरों में भी हैं, क्योंकि घरों में समस्या है, किसी के छोटे घर हैं, सब सोए हैं, किसी को नींद आएगी वहां, किसी का मन व्यर्थ में उलझ जाएगा। योग के बारे में आप सब ये एक बात अच्छी तरह नोट कर लो, डायरी में नहीं, समा लो बुद्धि में। योगी वही बन सकते हैं जो सुंदर विचारों के साथ योग करते हो, चुप बैठ कर नहीं, सुंदर विचारों के साथ। इसलिए हमने आपको एक विधि बताई, सवेरे सुंदर विचार करो, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, उसमें भी सुंदर विचार हैं, तो मन एकाग्र हो जाएगा। मन को हम श्रेष्ठ विचार नहीं देते, मन को सुंदर विचार कह रहा हूं। जैसे स्वादिष्ट भोजन हम खा लें तो तृप्त हो जाते हैं ना, हमने अच्छी मिठाई खा ली, फिर कोई और अच्छी मिठाई ला रहा हो, इच्छा नहीं होगी। मन को सुंदर विचार देंगे तो मन इधर उधर भागेगा नहीं। ये टेक्निक, ये राज सभी अच्छी तरह जान लें। मन उसका भटक रहा है जो श्रेष्ठ विचार नहीं रखते हैं। इसलिए मुरली पर बहुत ध्यान देंगे, मुरली में अति सुंदर विचार आते हैं रोज, अति अति सुंदर विचार। वो थोड़े भी याद रखेंगे, देखो चिंतन का यही तरीका है। जो बहुत आप में से ये कहते हैं हमारा चिंतन चलता ही नहीं, याद जो रखेंगे उस पर चिंतन चलता रहेगा, नहीं तो व्यर्थ चिंतन चलेगा। जिसका व्यर्थ चिंतन बहुत है उसका ज्ञान चिंतन नहीं चलता। जो व्यर्थ में है चिंतन से परे हैं, जो संसार की ओर देखते रहते हैं चिंतन नहीं चलेगा। मामा की बात आपने सुनी होगी, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे इस बात ने बहुत अट्रैक्ट किया। रमेश भाई बॉम्बे, रमेश साथ है ना हमारे यहाँ, शरीर छोड़ा 2-3 साल पहले। मामा को घुमा रहे थे मुंबई में, कार थी उनके पास, उन दिनों कारें नहीं होती थी। तो रमेश भाई ने पूछा मामा से कि मामा सामने बहुत अच्छा बोर्ड था, आपने देखा? होर्डिंग कहते हैं ना आजकल, बड़े बड़े लगाते हैं, सामने बड़ा अच्छा बोर्ड था, आपने देखा? मामा ने उत्तर दिया, मामा ऊपर देखती है तो केवल ऊपर वाले को, नहीं तो अपने को देखती है। यह है महान तपस्वियों की स्थिति। ऐसे ही थोड़ा है वो मामा बन गई, संसार की पहला नंबर आत्मा, बाबा और मामा पहला नंबर के रतन है। महान तपस्या की है, संसार को देखा ही नहीं है, क्योंकि एक को देखने में आत्मा तृप्त हो गई। वो एक ही सत्यम भी है, शिवम भी है और
अति सुंदर है, उसको देख के और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन उसको देखते तो रहो थोड़ी देर, उसको देखने में ही परम सुख मिलेगा। श्रेष्ठ योगी जीवन के लिए अपने स्वमान को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। मैं सभी माताओं को कहूंगा, अपने को आज से एक स्वमान दे दो, मैं अपने घर की, इस घर की इष्ट देवी हूं। पसंद है? मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूं। आपका व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी की पवित्रता बहुत अच्छी भी हो, लेकिन अगर वो आत्मा व्यर्थ में रहती है तो उसके पास पवित्रता का बल नहीं आएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा योग भी करता हो लेकिन तृष्णाओं में बुद्धि बहुत रहती हो, खान पान में बुद्धि रहती हो, इच्छाएं बहुत हो, मान सम्मान की कामना ज्यादा हो, योग की शक्ति नष्ट हो जाती है। बाबा की मुरलियां हैं, लीकेज, इसको बाबा ने कहा था लीकेज। तुम योग भी कर रहे हो लेकिन शक्तियां वही जा रही हैं, मटका खाली रहता है। इसलिए मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूं। बोलो स्वीकार है बहनों को? पक्का? ये दो ही बता रहा हूं, बाकी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और भोजन बनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अगर मात्र शक्ति ये काम कर दे भोजन बनाते हुए, तो घर की अनेक समस्याएं समाप्त। मेरे कहने से एक हफ्ता करके देख लो, फिर छोड़ देना, छूटेगा नहीं आपसे अगर एक हफ्ता कर लिया। बहुत आनंद है इसमें। भाई लोग क्या स्वमान लेंगे? मैं महान आत्मा हूं, पहले मैं इस घर में महान आत्मा हूं, दूसरा मैं विजय रतन महावीर हूं, तीसरा मैं पूर्वज हूं। जो अपने घरों में बड़े हैं वो और बड़े हो जाओ पूर्वज। बाबा की कितनी अच्छी बात थी पीछे, जैसे घर का बड़ा सबका ध्यान रखता है, तुम सृष्टि के बड़े हो पूर्वज हो, ध्यान दो सारी सृष्टि पर, चक्र लगाओ। बहुत बड़ी बात थी ये, चक्र लगाओ, घूमो सारी दुनिया में, प्लेन में बैठ के नहीं, सूक्ष्म रूप से देखो कौन दुखी है, कौन रो रहे हैं, कौन परेशान है, कौन चिंताओं में जी रहे हैं, किनको नींद नहीं आ रही है, कौन डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन सबको मदद करो, क्योंकि वो सब उसके बच्चे हैं ना। वो नहीं चाहता मेरे बच्चे दुखी हों, भले उसे ज्ञान है कि ये दुखी अपने पापों के कारण हैं, ये दुखी माया के कारण हैं, लेकिन वो हमें काम देता है बड़े बच्चों को, पूर्वज हो, सबके दुख हरो, स्वमान बढ़ाओ अपने। स्वमान बढ़ेगा स्थिति महान होगी। हम छोटे नहीं हैं, माताएं अब दीवारों में न बंधो, मैं नहीं कह रहा घर छोड़ के बाहर भाग जाओ, दीवारों में न बंधो। सूक्ष्म बात सुन लो, आप अगर दीवारों में बंधे हैं भाई या बहने मेरे, तो आपकी सकास मेरो तक ही जाएगी, संसार तक नहीं जाएगी। संसार तक सकास उनकी ही जाती है जो विशाल स्थिति वाले हैं, जो पूर्वज हैं, जो मेरे से मुक्त हो गए हैं। तेरा मेरा जिन्होंने छोड़ दिया है, उनकी सकास संसार तक जाती है। तो अपने स्वमान को बढ़ाएं। और आखिरी बात कह रहा हूं, जिसको योगी बनना है, योग का कवच पावरफुल बनाना है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अभ्यास करे और जीवन को सरल चित्त बनाए।
ऐसा जीने का तरीका हो कि जीवन में विघ्न और समस्याएं कम से कम हो। कई लोग ऐसे जीते हैं, ऐसे उनके संस्कार हैं कि जहां जाएंगे वहीं समस्याएं। हमें ऐसा जीना है जहां हम जाएं समस्याएं भाग जाएं। ये होगा सरलता से, ये होगा सुभावनाओं से, ये होगा प्रेम की दृष्टि से, ये कटु दृष्टि से नहीं होगा, ये मैंपन वालों से नहीं होगा, ये अहंकार वालों से नहीं होगा। जो नम्रचित्त हैं, जो हाँ जी करते हैं, जो सरल भाव से जीते हैं, उनका जीवन विघ्नों से मुक्त रहेगा। इस बात पे सभी भाई बहने जो बहुत बुद्धिमान हैं बाबा के बच्चे, चिंतन करना, देखना अपने चारों ओर बहुत सारे लोगों को, कोई ऐसा जी रहे हैं कदम कदम पर बाधाएं, कोई ऐसा जी रहे हैं सुखी सुख। ये जीने की कला है। जो कामनाओं को लेकर जी रहे हैं वो दुखी हैं, जो निष्काम भाव से जी रहे हैं वो बहुत सुखी हैं, जो सोच रहे हैं हमें देना ही देना है वो सुखी हैं, जो सदा मांग रहे हैं वो दुखी हैं। हम कैसे जिए हमें स्वयं विचार कर लेना है। भट्टी पूरी हो रही आज, ऐसा है तो अमृत वेले को कल भी चलेंगे। अच्छा, कल सवेरे तो है ही, तो अमृत वेले का सुंदर प्लान बनाना। आप सभी को अपने अपने घरों को क्या बनाना है? तीर्थ। आप स्वयं भी ध्यान देना, जो इस पे चिंतन करें और कर सके वो अवश्य करना। आप स्वयं भी चलते फिरते तीर्थ बन जाओ। तीर्थों पे जाते हैं ना लोग, बस आपके पास आए और सदगति हो जाए, आपके पास आए उद्धार हो गया। तो घर को भी तीर्थ बनाना है और अपने जीवन को भी। बहुत आनंद लेना, एक प्लानिंग के साथ पुरुषार्थ करना। क्रोध की बात रह गई, यहाँ भी पर्ची आई थी। पहली बात तो ये कि मनुष्य को क्रोध को जीतने के लिए ये लक्ष्य रखना चाहिए कि क्रोध अग्नि है, मुझे इसको शांत करना है। पहला ये सुंदर संकल्प हो। दूसरा, क्रोध कामनाओं से जन्मता है। कामनाएं कम करेंगे क्रोध कम होगा। ये व्यक्ति ऐसा करे, मेरा बच्चा है मेरी बात सुने, मेरा पति है ऐसे ऐसे करे, मेरी पत्नी है मेरी बात माने, ये कामनाएं क्रोध को जन्म देती। विचार सुंदर है, माननी चाहिए बात, बच्चे अच्छे होने चाहिए, पर हम जी रहे हैं कलयुग के अंत में। यहाँ वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाहते हैं, इसलिए अपनी कामनाओं को थोड़ा कम करेंगे क्रोध कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, सवेरे उठकर तीन संकल्प करना, लिख लो जिनको भी क्रोध को जीतना है, और सात बार कर लेना, जिसको ज्यादा आता हो 21 बार। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं। टीचर बहने लिख लें, सिखाना आपको सबको, अपने लिए नहीं सिखाना है। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। मेरा चित्त शांत हो गया है, बाबा को पाकर मैं आत्मा शांत शीतल हो गई। संकल्प देना सवेरे सवेरे कम से कम सात बार। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। पहले 3 मिनट में कर लेंगे तो बहुत प्रभावशाली रूप से काम होगा, चित्त शांत हो जाएगा। ओम शांति।